Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well. तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी बूटी मसाला, जो बड़ा ही मेरे लिए एक क्विक सी डिश होती है जब भी मैंने क्विकली कुछ बनाना होता है. इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ मीट. आप मटन मीट ले सकते हैं या बीफ ले सकते हैं. मैंने बीफ की बूटियाँ ली थी. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहारी कबाब मसाला. तो ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं. और ये सबसे पहले इसके अंदर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड किया है. और इसके अंदर ऑलमोस्ट मैं ये 2 टेबलस्पून ऑफ बिहारी कबाब मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद था. सो ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून इज़ इनफ इन 250 ग्राम्स ऑफ मीट. और इसको इसके अंदर जो तीसरी चीज़ जाएगी वो है गार्लिक पेस्ट. आप इसमें अदरक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट आई हैव जस्ट एडेड गार्लिक पेस्ट इन इट. और ये मैंने ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून ऐड कर ली है. और इस पूरे को अच्छी तरह अब मैं मिक्स करके इसको मैं ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी. अच्छी तरह ये जो मसाले हैं ये सारे अच्छी तरह रच बस जाएंगे इस पूरे मीट के अंदर. आप इसमें मटन मीट भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो भी चॉइस ले सकते हैं. और मैरिनेशन की सबसे लास्ट चीज़ जो थी वो ऑयल है. इसके अंदर अब आई एम गोइंग टू ऐड ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. और इसको अच्छी तरह मिक्स करके ओवरनाइट के लिए मैं रख दूँगी. सो ये बड़ी क्विक सी डिश है. आप इसकी अगर कहीं आपने डिनर भी देना हो तो यू कैन हैव दिस एडिशनल डिश, क्योंकि रात को मैरिनेशन होती है और सुबह आपने बस इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस करके यू कैन सर्व इट. अब एक अलग पैन में मैंने ये थोड़ा सा ऑयल के अंदर प्याज डाला है, ऑलमोस्ट 1 मीडियम अनियन डाल के उसको लाइट गोल्डन करना है. जब ये लाइट गोल्डन हो जाए तो हमारा वो जो ओवरनाइट मीट है वो अब मैं इसमें डाल दूँगी. अच्छी तरह जो गोश्त के अंदर मसाले जो हैं वो चले गए हैं. और इसको पैन में ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर मिक्स करूँगी. बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है क्योंकि मीट जो है वो अभी इसको गलना भी है. तो इसको थोड़ा सा बस फ्राई करना है फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स. जब आप देखेंगे दोनों साइड से हाई फ्लेम पे गोश्त जो है वो हल्का सा कलर चेंज कर गया, तो इसके अंदर देन आई एम गोइंग टू ऐड वाटर इन इट, ताकि इसको हमने स्लो कुक करना है ताकि गोश्त उसी में गल जाएगा और आप देखेंगे फुली टेक्सचर चेंज हो जाएगा. तो मैंने उतना ऐड किया है जितना मुझे पता है कि गोश्त गल जाएगा. ऑलमोस्ट मैंने इसमें 1.5 कप ऑफ वाटर ऐड कर लिया था. अगर आपको लगता है कि गोश्त इसी तरह पैन में या आपके पतीले में नहीं गलेगा तो आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट. तो मैंने इसको बस ढक के स्लो कुक किया था. और अगर आपको लगे कि मीट आप का नहीं गला तो आप इसमें और पानी डाल के और स्लो कुक कर सकते हैं. सो आप देख सकते हैं काफ़ी रिड्यूस हो गया है और ये इस शेप में आ जाता है. इस वक्त अभी भी थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर लिए हैं. ये भी बहुत अच्छे फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा स्वीटनेस देता है. पोटैटोज़ जो होते हैं वैसे भी स्वीट उनका एक फ़्लेवर होता है, तो ये उसको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं गोश्त के साथ. सो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी. और अब गोश्त जो है इट्स ऑलमोस्ट फुली कुक्ड, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया. और अब मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 1/4 कप ऑफ मिल्क ऐड करूँगी. आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट. आई लाइक मिल्क का थोड़ा सा टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ सा होता है और बड़ा आपको ज़्यादा हैवी नहीं फील करता. तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप मिल्क ऐड कर दिया था. और इसके अंदर आप अपनी मनपसंद जो है वो वेजीज़ भी ऐड कर सकते हैं. सो आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ कैप्सिकम और फ्रेश अनियन रिंग्स. ये भी एक बड़ा इस डिश को जो है वो डेकोरेट भी करता है और फ्लेवर भी देता है जब आप खा रहे होते हैं. तो इसमें मैंने ये देखें कैप्सिकम ऐड कर ली है और साथ ही में मैंने ये अनियन रिंग्स जो हैं ये ऐड कर ली हैं.
और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका जो सबसे मेन आप कह सकते हैं कि जिससे फ्लेवर आएगा वो है, आपने इसको कोयले का धुआं देना है। इन द मीन टाइम जितनी देर में ये सब कुछ हो रहा था, मैंने इतनी देर में एक कोल लेके उसको मैंने अपने बर्नर पे रखा था कि वो अच्छी तरह जो है वो बर्न हो जाए, और उसके ऊपर आप ऑलिव ऑयल डाल के फॉइल रखेंगे और ऊपर कोल रख के ऊपर से ऑलिव ऑयल डालेंगे तो उसका धुआं निकलना शुरू हो जाता है, और उसको आपने ढक देना है ढक्कन से ताकि वो सारा का सारा फॉर 5-6 मिनट्स गोश्त के अंदर आ जाए। और ये मज़ेदार सा बिहारी कबाब मसाला रेडी हो गया है। आप लोग इसको नान और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक कटी हुई डाल सकते हैं और थोड़ा सा आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं ऊपर फ्रेश टोमेटोस। सो इट्स अ वेरी क्विक एंड डिलीशियस डिनर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।